अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सोडियम के अदर कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहां पर मैंने जो फर्स्ट कंपाउंड लिया है ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। देखो बच्चों, ये नेचुरली जो है इंडिया में सज्जी के नाम से मिलता है। सज्जी मीन्स काली मिट्टी में होता है। इसके अलावा इजिप्ट में ये ट्रेना के नाम से मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 NaHCO3 2H2। तो ये तो हो गए इनके नेचुरल फॉर्म। अब हम यहां पर आएंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो मैंने फर्स्ट मेथड ली है और ये है सॉल्वे प्रोसेस, मॉडर्न प्रोसेस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक तो होता है NaCl एक्वस ब्राइन, अमोनिया और लाइम स्टोन, ये तीन जो केमिकल्स हैं इनका यूज इसके रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में होता है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो जब इसकी प्रिपरेशन होती है तो ये सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। इसको फिल्टर करके ठीक है अच्छी तरह से, और फिर हीटेड किया जाता है। जब हीटेड करते हैं तब ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। और यही हमारा जो एम है इस रिएक्शन का, सॉल्वे प्रोसेस का, वो यही है इसकी प्रिपरेशन। समझ गए बच्चों कि इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या क्या है, NaCl कच्चा पदार्थ जिसको हम बोलेंगे, NaCl एक्वस जिसे हम बोलते हैं ब्राइन, अमोनिया और लाइम स्टोन CaCO3। ओके, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, which is on heating give sodium carbonate. तो इस प्रोसेस में मेनली क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। बाद में इसको हीटेड किया जाता है तब ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। बाद में ये क्रिस्टलाइज्ड होकर 10H2O को और अपने आप से ऐड कर लेता है। हमें यहां तक ही पढ़ना है यानी कि CO3 कैसे प्रिपेयर्ड होगा। तो समझ गए बच्चों कि जो कच्चा पदार्थ है वो NaCl ब्राइन मींस एक्वस सॉल्यूशन, अमोनिया और चूना पत्थर लाइम स्टोन होता है। इस विधि में पहले क्या बनेगा, NaHCO3 जल में जो अवेलेबल है, ओके, प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। अभी हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं, पहले आप यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस की जो रिएक्शंस हैं वो ये है, अमोनिया डायरेक्ट पास की जाती है, वाटर लिया जाता है और CO2, ये CO2 जो है ये CaCO3 जो रॉ मटेरियल दिया गया है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। ओके, तो ये CO2 दो इन तीनों रिएक्टेंट्स की रिएक्शन से क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में जब NaCl एक्वस पास किया जाता है तब ये प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। ये क्या है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये जो प्रेसिपिटेट आया इसको फिल्टर किया, अच्छी तरह से ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद फिर इसको हीटेड किया जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। बाद में यही सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल से क्रिस्टलाइज होकर और ये बना देता है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें जो अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है, इस अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटेड किया जाता है, तब ये हमें अमोनिया दोबारा मिल जाती है, मतलब अमोनिया की रिकवरी फिर से कर ली जाती है और फिर टावर में जहां ये बन रहा है वहां पर इसको पास कर दिया जाता है।
और यहां मैंने आपको बताया CO2 कहां से आती है, तो ये जो रॉ मटेरियल में CaCO3 दिया गया है इसके डीकंपोजिशन से बनती रहती है CO2। इस तरह से CO2 और अमोनिया को प्रोसेस में मिलते रहते हैं, बाहर से NaCl का ब्रन सॉल्यूशन पास करते रहते हैं और इस तरह हमें मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। कुल मिलाकर ये प्रोसेस है इसकी सॉल्वे मेथड। तो यहां तक नोट करते हैं। अब देखो बच्चों एक मेथड और है और ये है लीब्लांक मेथड। लीब्लांक मेथड में NaCl और H2SO4 पहले इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो इससे मिलता है सोडियम सल्फेट। मैंने इसको टू स्टेप्स में लिख दिया, आप चाहें तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, 2NaCl plus H2SO4 तो बनेगा Na2SO4 plus 2HCl। फिर ये जो सोडियम सल्फेट मिला इसको कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन इनके साथ हीटेड किया जाता है तब मिलता है Na2CO3 plus CaS। इस पूरे मिक्सचर को बोला जाता है ब्लैक एस। इस ब्लैक एस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाटर में डिसॉल्व। तो सोडियम कार्बोनेट को वाटर में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल होता है। बट CaS इनसॉल्युबल होता है, इसको बोलते हैं एल्केलाइन वेस्ट। एल्केलाइन वेस्ट इसको तो फिल्टर करके हटा दिया और जो सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है इस सॉल्यूशन का इवेपोरेशन करते हैं तब हमें Na2CO3 into 10H2O ये क्रिस्टलाइज्ड होकर बाहर हो जाता है और इस तरह से इस मेथड से भी क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्वे प्रोसेस KHCO3 की प्रिपरेशन या K2CO3 की प्रिपरेशन में क्यों यूज्ड नहीं हो सकती या इससे ये दो कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाए जा सकते। तो ध्यान रखें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है वो वाटर इनसॉल्युबल है और वो प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ जाता है तभी फिर इसके आगे सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब यहां पर ये जो बनता है KHCO3 ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है और ऐसे में ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा और इस मेथड से हम इसको क्या नहीं कर सकते? प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। समझ गए ना? मैंने यही लिखा है कि सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट एक्सटेंडेड फॉर मैन्युफैक्चर KHCO3 और K2CO3 बिकॉज़ KHCO3 इज टू सॉल्युबल इन वाटर। समझ गए बच्चों कि ये मेथड जो है सॉल्वे प्रोसेस वो KHCO3 या K2CO3 की प्रिपरेशन में यूज नहीं होती, उत्पादन में नहीं यूज होती। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कौन? ये क्योंकि जल में बहुत अधिक विलेय है। कौन बहुत अधिक विलेय है? KHCO3 जल में कंप्लीट सॉल्युबल है और ऐसे में ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा जिसके कारण इसको हम नहीं बना सकते। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आ जाते हैं। तो देखो पहला है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद क्रिस्टलीय ठोस। आप लैब में देखोगे सोडियम कार्बोनेट रखा होता है, बिल्कुल प्योर सोडियम कार्बोनेट, तो बिल्कुल व्हाइट पाउडर नमक जैसा, पिसा हुआ नमक जैसा दिखता है। ओके, दूसरा है एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी मिलता है, जैसे Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 7H2O, Na2CO3 into H2O और Na2CO3। इसकी एग्जिस्टेंस ये टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। हम यहाँ पर हीट इफेक्ट देखते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। जब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये क्या है बच्चों कि डेका हाइड्रेट, ओके, तो डेका हाइड्रेट को जब 375 केल्विन पर हीटेड किया जाता है तब उसमें से 9H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें बचता है। ये है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ओके, फिर इसको और अगर हीट कर दिया जाए तो ये फाइनली फिर ये वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा, इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखना होगा तब ये बनता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। व्हाइट पाउडर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 852 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इस तरह से H2O वेपराइज होकर बाहर हो जाता है और फाइनली सोडियम कार्बोनेट बचता है सोडा ऐश। तो यहां तक आप हीट इफेक्ट समझ गए, यहां तक नोट।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वाटर सॉल्युबल होता है और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का। क्यों? क्योंकि Na2CO3 जैसे ही वाटर में जाता है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। ऐसे में जब ये वाटर में जाएगा सॉल्यूशन में तो ये हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड जब होगा तो इसका केवल एनायनिक पार्ट ही हाइड्रोलाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसी के हाइड्रोलिसिस से ये वीक एसिड बनता है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आ जाए तो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक नेचर का। यहां पर अगर हम देखें तो ये है हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। सोडियम आयंस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो एक्वस फॉर्म में बना रहता है। तो यहां पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण ही इसका सॉल्यूशन जो है बेसिक नेचर का होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। समझ गए ना? यहां पर ये जो सॉल्ट है ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, इसलिए इसके हाइड्रोलिसिस से भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ही बना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स, तो HCl से रिएक्शन हो जाए, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होगा, HCl + CO2 और H2O रिमूव हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही अगर CO2 और H2O पास कर दिया जाए Na2CO3 के सॉल्यूशन में तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, समझ गए बच्चों, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये वाटर इनसॉल्युबल होता है तो वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। मींस अगर हमें इसको प्रेसिपिटेटेड करना है तो इस फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि SO2 से रिएक्शन हो जाए तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और CO2 रिलीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 बनेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इन्हें आप अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट मिक्स किया जाए तो बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ जाता है। ओके, एक तो ये है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलाया जाए तो ये बन जाता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ बेस जुड़ा है इसलिए बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। जस्ट ऐसा ही लेड एसिटेट के साथ होता है, लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट बनता है। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस आगे कहीं ना कहीं आती रहेंगी, हम वहां पर देखेंगे इसको और अच्छे से। अब हम आ जाते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। पहला है इन लॉन्ड्रीज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एज वॉशिंग सोडा। आप देखोगे जितना भी डिटर्जेंट आता है, समझ गए ना, धुलने वाला जो सोडा आता है उन सब में फिलर के फॉर्म में यही में भरा होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये एक वॉशिंग सोडा के फॉर्म में धुलाई में यूज होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा वॉशिंग सोडा मेथड जो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस इन दोनों का रिमूवल वॉशिंग सोडा मेथड से किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कांच बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, बोरेक्स है, सोप है, कॉस्टिक सोडा है, इन सबकी मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी में आप देखोगे इसका सबसे ज्यादा यूज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। आप देखेंगे एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पर ये सोडा निष्कर्ष के फॉर्म में यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उसके यूजेस। तो ये था हमारा वॉशिंग सोडा, इसको यहां तक हो गया। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोला जाता है बेकिंग सोडा, क्योंकि इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन में सॉल्वे प्रोसेस ही यूज होगी, इसकी अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। आप सॉल्वे प्रोसेस का ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड हो जाता है वहां तक ही ली जाएगी। प्रॉपर्टीज में देखें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप देखोगे लैब में मिलेगा या घर में बेकिंग पाउडर आता है जो वो सफेद क्रिस्टल ठोस होता है। स्प्रेमली सॉल्युबल इन वाटर, जल में अल्कलीय है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन वीक बेसिक इन नेचर, इसका जो सॉल्यूशन बनता है उसकी जो बेसिसिटी है वो सोडियम कार्बोनेट के जो एक्वस सॉल्यूशन है उससे कम होती है। रीजन ये है बच्चों कि इसमें अभी भी ये एक एसिडिक सॉल्ट है, अभी ये क्या है एसिडिक सॉल्ट, तो ये बने हुए बेस को कुछ न्यूट्रल कर देता है। ऐसे में सॉल्यूशन की जो बेसिसिटी है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती।
यहां पर जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो बाइकार्बोनेट आयन की होती है और ऐसे में ये OH बनते हैं, और इसी के कारण कुछ बेसिक नेचर आता है। इस बेसिक नेचर की, ये कितना बेसिक है कि अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज मिला दें तो वो येलो कलर का रहेगा, मींस बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है, और अगर आप इसमें फिनोल्फथालीन मिलाओगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसके एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो लेस देन क्या बना रहता है 8.5, इससे ऊपर चला जाए तो फिनोल्फथालीन कलर दे देगा बेसिक मीडियम में। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो वीक एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, मींस उसमें फिनोल्फथालीन मिला दें तो कोई कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन नहीं होता कि वो 8.5 से आगे पीएच बढ़ा सके। समझिए बच्चों कि मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है किंतु फिनोल्फथालीन के साथ रंगहीन होता है, मींस ये बेसिक तो है सॉल्यूशन लेकिन फिनोल्फथालीन तभी कलर देगा जब 8.5 से आगे पीएच पहुंच जाए और वो इतना इसमें नहीं पहुंचता। नेक्स्ट अगर हम इसको डीकंपोज करें तो ये कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जो अभी आपने सॉल्वेंट प्रोसेस में भी देखा था, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दें तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि इसकी एक क्वेश्चन आता रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट कहां पर CO2 रिलीज करता है और ये CO2 कहां से आती है। तो ध्यान रखें कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है तो CO2 रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक और ये एसिडिक है, तो ये इतना एसिडिक है कि इसके साथ सॉल्ट बना लेता है, और इस तरह से CO2 जो रिलीज हुई है एक्चुअली में वो CO2 यहां से आती है, ना कि COOH ग्रुप से, और सोडियम सॉल्ट बनता है। रीजन ये है कि बना हुआ जो कार्बोनिक एसिड है वो COOH RCOOH से क्या है बच्चों, कम एसिडिक होता है, और यही रीजन है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाती है। फिर आते हैं कि अगर हम फिनॉल में यदि मिलाए तो फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड है और ये स्वयं वीक एसिडिक नेचर का है, तो ऐसे में कोई रिएक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि फिनोल की जो एसिडिटी है वो कार्बन जो है H2CO3 से कम है। अगर हम इनकी एसिडिटी को कंपेयर करें तो फिनोल का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देखोगे -10^-10, इसका और भी ज्यादा और इसका 10^-5, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका है कार्बोक्सिलिक। तो ऐसा कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो इससे ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है, मतलब ये जो कार्बोनिक एसिड बना है उससे ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा तो ही ये क्या होगा, इसमें रिएक्शन करेगा, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका क्या यूजेस है। तो एक तो होता है मेकिंग वेकिंग पाउडर, आप देखोगे वेकिंग पाउडर जो आता है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक यूज का होता है, ये मिक्सचर होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और NaHCO3 COOH COOH CHOH COOK इस तरह का। तो ये है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और इसके अलावा इसमें मिला होता है NaHCO3 मेन कंपोनेंट ये होता है। ये थोड़ी इसकी बेस, ये जो सॉल्ट है ये इसकी बेसिसिटी को थोड़ा कम कर देता है। एक तो बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन है, दूसरा होता है मेकिंग एफर्विसेंट ड्रिंक्स, मतलब ऐसे ड्रिंक्स जिनको हिलाने से छाक सा निकलाते हैं बाहर, तो उनमें मिला दिया जाता है, वहां CO2 तेजी से बनती है और इस तरह से एफर्विसेंट ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज होता है, समझ गए ना। इन फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट रखा जाता है, जो कि जैसे ही H2SO4 मिलता है और CO2 गैस बनती है और उस CO2 से ही फायर एक्सटिंग्विशिंग होती है। तो अग्निशामन में कहां होता है बच्चों, अग्निशामक, ठीक है, सामक में इसमें यूज होता है। इसके अलावा ठीक है प्रोडक्शन ऑफ CO2 Na2CO3, तो मैंने अभी बताया कि जैसे ही इसमें H2SO4 मिलता है CO2 तेजी से निकलती बहुत ज्यादा, इसके अलावा Na2CO3 तो बनता ही है, आप देखिए इसको हीट करके तो ये बन जाएगा। तो ये था इसकी मेन चीज। अब हमारा जो एक मेंबर है नेक्स्ट, वो है NaCl, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, जो हमारे घर में यूज होता है, एक इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है।
आगे हम सीरीज में देखेंगे। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं है बनाने की, क्योंकि ये नेचुरली ही इतना ज्यादा मिलता है कि इसको आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो देखो जो सी वाटर होता है समुद्री जल, समझ गए बच्चों, समुद्री जल में लगभग 2.95% नमक घुला होता है, ओके। और जब इसे सोलर इवेपोरेशन, जब क्या प्रकाश, सूर्य प्रकाश में इसको क्या किया जाता है बच्चों, सूर्य प्रकाश में वाष्पीकरण किया जाता है, बड़े बड़े तालाबों की टाइप है या खेत, बड़े बड़े हॉल्स बना के और उसको पानी को सुखाया जाता है, तब आपको एक सॉलिड क्रस्ट मिलता है, एक ठोस पदार्थ मिलता है, ठोस पकड़ी जैसा होता है, ओके, वो मिलता है जिसमें नमक के अलावा CaCl2, Na2SO4, CSO4, NaCl2 ये इंप्योरिटीज होती है। अभी नमक उतना यूजफुल नहीं है, मतलब डायरेक्ट हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारे सॉल्ट्स अभी भी मिले होते हैं। फिर इसको H2O के साथ, ये जो हमें ठोस मिला, सॉलिड मिला, इसको H2O की मिनिमम अमाउंट में घोला जाता है और फिर पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर दें ताकि इसकी इंप्योरिटीज हट जाए, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, जो भी रॉ मटेरियल कचरा मिला है वो पहले हटा दिया जाता है और एक क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, एक साफ स्वच्छ संतृप्त विलयन मिलता है। फिर इसमें HCl गैस पाइप पास की जाती है, तो हम जानते हैं कि HCl गैस जैसे ही NaCl में जाएगी वो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी और ऐसे में घुले हुए NaCl का जो आयनिक प्रोडक्ट है उसके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा और NaCl प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है। इस तरह से NaCl सॉलिड फॉर्म में बाहर आता जाता है, बट ये जो इंप्योरिटीज है CaCl2, MgCl2, Na2SO4 ये वाटर इनसॉल्युबल रहती है और ये प्रेसिपिटेट होके बाहर नहीं होती। इस तरह से हमें ये क्या मिल जाता है, प्योर NaCl नमक। प्योर NaCl की पहचान है कि आप इसे मॉइस्चर में भी खुला रख दें, मतलब जो एटमॉस्फेयर में भी खुला रख दें तो ये गीला नहीं होगा, क्योंकि NaCl हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता। अगर उसमें इंप्योरिटीज हैं ये, तो चूंकि ये बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक डीलिक्विफाइड है और ऐसे में वो घुलने लगेगा, नमक पानी में गीला हो जाएगा, वो इनकी प्रेजेंस को बताता है। तो ये नमक को किस तरह से सी वाटर से निकाला जाता है मैंने आपको यहाँ बताया, मैं इसकी प्रॉपर्टी यूजेस बता दूं, पहले आप इसे अब देखो बच्चों, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं NaCl की। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नमक तो सबने देखा होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक एंड डीलिक्विफाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MgCl2 and CaCl2। ध्यान रखें NaCl 100% प्योर हो तो ना तो ये हाइग्रोस्कोपिक है और ना ही डीलिक्विफाइड। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वाष्प को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना केवल और हल्का सा गीला हो जाना, जबकि डीलिक्विफाइड का मतलब है कि इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेना मॉइस्चर को कि उसी में घुल जाना। मतलब अगर आप नमक को खुला, अगर बरसात में रेनी सीजन में आप रख दें, तो पहले तो वो अगर घर में यूज है, अंदर है, तो हल्का सा गीला हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बाहर रख दो, खुला बिल्कुल कर दो, तो आप देखोगे घुल के पिघल के बहने लगेगा, तो वो डीलिक्विफाइड नेचर है। और ये जो कारण है इसका, ये होता है इनकी प्रेजेंस में। तो NaCl अपने आप में तो ना तो हाइग्रोस्कोपिक है और ना ही डीलिक्विफाइड, बिल्कुल प्योर अगर है नमक, लेकिन अगर इनमें ये इंप्योरिटीज हैं तो फिर ऐसे में ये दोनों नेचर शो करता है। समझ गए बच्चों कि ये कुछ आद्यताग्राही है, डीलिक्विफाइड उत्फुल्लन कहलाता है, जो कि MgCl2 CaCl2 की उपस्थिति के कारण मिलता है। तो अगर ये है तो ऐसा होगा, गीला होगा नमक। सॉलिबिलिटी 3.6 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर में लगभग 3.6 ग्राम नमक घुल जाता है, ये हाईएस्ट सॉलिबिलिटी शो कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 1073 केल्विन होता है और डेंसिटी 2.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। अब आते हैं यूजेस में। तो देखो, एक तो हमारे भोजन का, इट इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, हमारे खाने का एक मुख्य घटक है, इसके बिना हमें खाने का स्वाद नहीं पता चलता, ओके। दूसरा है नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव आर्टिकल्स लाइक फिश मीट एक्सेट्रा।
कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है, ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मुख्यतः मछली है, मीट है, इनको नमक में ही रखा जाता है, समझ गए ना। नेक्स्ट है कि यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनीवेयर Na2CO3 Na2O इनके प्रोडक्शन में ये एक स्टार्टिंग मटेरियल। आप देखोगे सोडियम के जो ज्यादातर मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं वो NaCl से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और बता दूं मैं सोडियम के, बस हम उनका फॉर्मूला और उनके यूजेस देखेंगे। जैसे पहला है Na2O2 सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ O2 अंडर द नेम ऑफ ऑक्सेन ऑक्सोन। समझ गए बच्चों कि इसका यूज जो है O2 के प्रोडक्शन में होता है और उस कंपाउंड का नेम होता है ऑक्सोन। तो ऑक्सोन के नेम से मिलता है ये और O2 के प्रोडक्शन में, O2 के उत्पादन में ऑक्सेन नाम से मिलता है। दूसरा है ब्लीचिंग एजेंट फॉर द फाइबर्स लाइक वूल सिल्क, ठीक है, ऊन है, रेशम है, इनके विरंजन ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट विरंजक के रूप में। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, क्योंकि इसके डीकंपोजिशन से ऑक्सीजन निकलती है इसमें इसका यूज होता है। फिर आते हैं दूसरा है Na2S2O3 × 5H2O सोडियम थायोसल्फेट, इसी का नाम है एंटीक्लोर या हाइपो। अब आता है किसको एंटीक्लोर क्यों बोलते हैं, तो एज अ एंटीक्लोर टू रिमूव एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीच्ड फाइबर्स फैब्रिक्स। जो ब्लीचिंग होती है इससे, ब्लीचिंग पाउडर से जब कपड़ों की ब्लीचिंग होती है फैब्रिक्स की, तो बची हुई क्लोरीन को बाहर निकालना है तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है। सोडियम थायोसल्फेट क्लोरीन को Cl2 को ClNaCl में बदल के डिसॉल्व कर लेता है और हटा देता है, समझ गए ना। एक तो यहां विरंजित कपड़ों से अतिरिक्त क्लोरीन को निकालने के लिए भी उपयोग होता है। तो आप देखोगे कि ये क्लोरीन, ठीक है, तो यही लिखा है विरंजन में अतिरिक्त, इसीलिए इसका नेम पड़ा है एंटी क्लोर, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लोरीन है उसको हटा देता है। ऐसे ही आप देखोगे फोटोग्राफी में, फोटोग्राफिक प्लेट में जब फिक्सिंग करनी होती है, मतलब उसको लाइट में ला सकते हैं, तो उससे पहले इसमें धुला जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा AgCl में क्लोराइड आयंस होते हैं उन क्लोराइड आयंस को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे यहाँ हटा देता है, यहाँ पर फोटोग्राफिक स्थायी कारक के रूप में और हाइपो के नाम से यूज होता है। तो वहां पर जो धुलाई की जाती है रोल की या फोटोग्राफिक प्लेट की, वो इसी से। अब तो खैर इसका यूज उतना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। फिर है एज अ रिजल्ट इन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। तो इनमें दोनों में यूज होता है। हाइपो, इसमें डायरेक्ट क्लोरीन का टाइट्रेशन होता है, इसमें किसी कंपाउंड से निकली हुई क्लोरीन का टाइट्रेशन होता है, और उसमें जो रिड्यूसर होता है, टाइट्रेंट होता है, वो क्या होता है, हाइपो। और इनके टाइट्रेशन में जो आयोडीन कॉपर सल्फेट में Ki मिलाया जाता है, बनता है आयोडीन को टाइट्रेट किया जाता है Na2S2O3। इसके अलावा K2Cr2O7 है, K-4 है, इनकी टाइट्रेशन इसी से की जाती है। समझ गए बच्चों कि आयोडोमेट्री, आयोडोमिति और आयोडीमिति इस प्रकार के टाइट्रेशन होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। वहां पर ये एक रिजल्ट की तरह यूज होता है। इसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, इनके एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि ये इनके साथ जैसे ही इनके सॉल्ट या इनके कहें ओर्स इसमें घोले जाते हैं सोडियम थायोसल्फेट में, तो ये थायोसल्फेट के साथ थायोसल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होता है उस कॉम्प्लेक्स को बाहर करके और फिर इनको दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। तो ये इसके हाइपो के यूजेस है। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है कुछ और सॉल्ट, जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। एक तो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ये है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इनटू डेका हाइड्रेट। ओके, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका यूज होता है डिटेक्शन ऑफ कलर्ड आयंस, इन आयनों के पहचान करने। समझ गए बच्चों कि इन कलर्ड आयनों की पहचान करने में डिटेक्शन ऑफ कलर्ड आयंस। फिर नेक्स्ट है K2CO3, इसको बोलते हैं पर्ल एस। इसका यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ हार्ड ग्लास, कठोर कांच को बनाने में। इसके अलावा Na2CO3 और K2CO3 का जो मिक्सचर है, ये फ्यूजन मिक्सचर में यूज होता है, किसी में मिला दिया जाए तो वो जल्दी फ्यूज हो जाता है, पिघल जाता है। समझ गए बच्चों।
फिर है ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट है Na2SO4 × 10H2 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, और जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं सॉल्ट केक, समझ गए ना, एनहाइड्रस फॉर्म कहलाता है सॉल्ट केक। मिक्सचर ऑफ Na2CO3 कुछ मात्रा में, NaCl लार्ज मात्रा में अमाउंट में, Na2CSO4 ये 5 से 10% और शुगर, इनका मिक्सचर पर्पल कलर का होता है जिसे हम बोलते हैं काला नमक या सूने पानी नमक, इनका यूज घरों में डोमेस्टिक यूज होता है इसका। अब हम आ जाते हैं Na के यूजेस, सोडियम के काफी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखो एक तो होता है अलॉय ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर यूज फॉर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, ये जो मिक्सचर है Na और K की जो अलॉय होता है बच्चों ये ड्रॉप होता है कमरे के ताप पर और इसका उपयोग होता है उच्च तापमापी में, टेम्परेचर जब इससे ज्यादा हो, मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से जब ज्यादा होता है, समझ गए ना, टी, तब इस थर्मोमीटर का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है कि मोल्टेन Na यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में सोडियम लिक्विड, सोडियम लिक्विड लिथियम इनका यूज होता है शीतलक के रूप में, मतलब है कि जो हीट निकलती है उसको एब्जॉर्ब करने में, ओके, तो इसका यूज होता है Na का। इसके अलावा ठीक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन बेरिलियम मैग्नीशियम सिलिकॉन इन मेटल्स के इनके सॉल्ट से इनको बाहर निकालने में सोडियम एक रिड्यूसर का वर्क करता है और ये मेटल निकाले जाते हैं एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम वेपर लैंप जो है ये येलो कलर की लाइट को एमिट करता है, हाइड्रोजन लैंप जैसा ही इसका भी यूज होता है, ओके। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों, जैसे कि इन सोडियम एक्सट्रैक्शन इन डाउन सेल प्रोसेस फ्यूज्ड मिक्सचर NaCl 40% और 60% CaCl2 का यूज किया जाता है, क्योंकि ये मिक्सचर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर NaCl के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाता है। समझ गए बच्चों कि सोडियम के निष्कर्षण की डाउन सेल विधि में NaCl 40% CaCl2 60% इस मिश्रण का यूज होता है, क्योंकि इसका गलनांक प्योर NaCl के गलनांक से कम होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है डाउन सेल विधि में तो पिघला हुआ NaCl लिया जाता है, और पिघला हुआ NaCl अगर हम प्योर लें तो 1073 केल्विन टेम्परेचर और इतने हाई टेम्परेचर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ऐसे में ये मिक्सचर यूज करके और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तब हमें कैथोड में Na मिल जाता है। समझ गए बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन काम का है। KO2 used as a source of oxygen in some marine space shuttle and emergency breathing apparatus. KO2 का जो यूज है बच्चों ये सबमरीन मतलब पनडुब्बी है, स्पेस शटल अंतरिक्ष यान जो होते हैं इमरजेंसी जो कृत्रिम श्वसन इमरजेंसी में किया जाता है उनमें इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे जो कि S1 एल्कली अर्थ मेटल से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिए। अब हम जो स्टार्ट करेंगे अब वो होगा हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ तक।